वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए ABS जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ ABS फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपके सेवा में शुरू है, खांडे सेंट्रल मॉल जलगांव। RTO दफ्तर में अक्सर कई शिकायतों का पुलिंदा खुला ही रहता है। ऐसे ही शिकायत मिर्जा बेग नामक व्यक्ति ने भी की है, और सिर्फ शिकायत ही नहीं की है, वो वहाँ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। इस संबंध में हमने दोनों पार्टियों से बातचीत की है और हम आपको दिखाते हैं कि आखिर दोनों पार्टियाँ क्या कह रही हैं और कौन कितने पानी में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलगांव के RTO कार्यालय के बाहर। RTO कार्यालय जो हमेशा किसी न किसी विवाद में रहा ही करता है, अक्सर बहुत सारे विवाद यहाँ पर देखे जाते हैं। कुछ विवाद सलट जाते हैं, कुछ विवाद नहीं सलट पाते हैं, और ऐसे ही एक विवाद को लेकर यहाँ पर सुल्तान बेग मिर्जा जो हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, एक दिन का उपोषण कर रहे हैं, एक दिन का चेतावनी बोल सकते हैं आप यहाँ पे RTO कार्यालय को, कि इस चेतावनी के स्वरूप में एक दिन का लाक्षणिक उपोषण कर रहे हैं ये। मिर्जा साहब, क्या मामला क्या है, क्यों आपको यह हड़ताल करनी पड़ रही है? मैं तकरीबन एक साल से यहाँ कर वसूल अधिकारी जो है चंद्रशेखर शिवजरा इंगड़े, इनके खिलाफ आज तक राज्यपाल से लेके तो जलगांव RTO कार्यालय तक और प्रेस के माध्यम से भी मैंने बहुत सारी कंप्लेंट इनकी की। ये कंप्लेंट करने का वजह ऐसी है कि वो कर वसूल अधिकारी है, उनका मेन काम है जो गाड़ी पर थका हुआ कर वसूल करना, ये उनका मेन काम है। उसके बाद में एक डिपार्टमेंटली DPC होती है, मीटिंग होती है सब अधिकारियों की, जिसमें पदोन्नति मुझे बढ़ोतरी दी जाती है। अब उसमें बढ़ोतरी दी गई उनको क्या वरिष्ठ लिपिक मुझे सीनियर कलर करके दिया गया, लेकिन वो देने की वजह उन्होंने उसके अंदर अट डाली है कि अगर ये कर वसूली अधिकारी पद अगर रद्द होता है, कैंसिल होता है, तो ये पद दिया जाएगा। लेकिन शासन तरफ से आज तक वो ये मुझे परिवहन विभाग तरफ से आज तक वो कैंसिल नहीं हुआ। हाँ, तो उनको 9 साल से तकरीबन अंदाजे 9 साल से एक ही टेबल पे नया नंबर देने के जो टेबल आता है रजिस्ट्रेशन का महाकया वहीं एक ही टेबल पे, जबकि शासन का रूल मुझे उनका ही सर्कुलर ये बताता है, एक सर्कुलर बताता है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर टेबल बदलना चाहिए, एक सर्कुलर ये बताता है, उन्होंने ही काढ़ा हुआ, उनकी डिपार्टमेंट ने परिवहन आयुक्त ने काढ़ा हुआ, विभागीय आयुक्त जलगांव मुझे डिवीज़न के बॉस भरत कड़सकर साहब ने काढ़ा हुआ, क्या क्या ये तकरीबन भाई 1 साल के अंदर टेबल बदल जाने मांगता। और मैंने जब माहिती अधिकार में इनसे मांगा कि भाई इसको आज तक 9 साल में क्या क्या ड्यूटी की है, तो उन्होंने दो मुझे ऑफिस के जो नोटिफिकेशन निकलता है वो दे दिए। 2 साल में उसका 2 ही बार बताया कि भाई ये टेबल पे मुझे ये उनके मुझे उनके खिलाफ जो मुझे मैं जो कर रहा हूँ ये कोई मुझे मैं जनरल मुझे जनता के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ क्या तकलीफ होती है नहीं होती है, या आपको भी खुद आप देखते होंगे नहीं क्या नहीं क्या अभी 9 साल से एक आदमी एक ही टेबल पे, जबकि उसका टेबल नहीं है वो एक्चुअली कर वसूली अधिकारी जो गाड़ी पर थका हुआ कर है उसको नोटिस देना, उससे कर वसूल करके ला के देना, ये उसकी ड्यूटी है। मैं इसी ये मुझे उस मुझे हमारे जो परिवहन आयुक्त है परिवहन सचिव है और हमारे जलगांव डिवीज़न के बॉस भरत कड़सकर RTO इनको इनके ऊपर कंप्लेंट कर करके थक गया, इसके लिए उनके भाई जो सोए हुए उनको जगाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ऐसे आपका काम क्या है, वैसे आप करते क्या हैं? मैं औरंगाबाद हाईकोर्ट के निकाल के हिसाब से मैं जलगांव RTO कॉलेज में प्रतिनिधि का काम करता हूँ, वाहन चालक मालक का। उसके अलावा मैं थोड़ा पॉलिटिकल भी हूँ, मैं शिव वाहतुक सेना से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे कुछ दिन पहले शिव वाहतुक सेना का जिला अध्यक्ष पद भी मिला था, है वो अभी तक, आज तक वो कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर कैंसिल अगर मुझे सरकार मुझे हमारे उद्योग जी करते थे तो मुझे कुछ पत्र देते थे, पर आज तक। और दूसरी बात ऐसी कि नाना साहब बचाओ, ये 21 तारीख को रात में एक लग्जरी का अपघात हुआ, इसमें तकरीबन 21:10 की बात, 21:10 के अपघात हुआ, अपघात होने में उसमें 5 लोग मारे गए, बेकसूर लोग मारे गए, जबकि महाराष्ट्र शासन का, मैं महाराष्ट्र शासन बोल रहा हूँ, परिवहन आयुक्त का फ़रवरी में एक आदेश निकला है कार्यालय के लिए पूरे महाराष्ट्र के लिए
कि भाई जो बड़ी गाड़ी रहती है 36 सीटर, इसको परवानगी नहीं है महाराष्ट्र में। दूसरे स्टेट में होंगी वो मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र में ये गाड़ी को आने देना नहीं। वो गाड़ी का तकरीबन 36 सीट का 18,000 रुपये टैक्स एक दोस्त को चेक पोस्ट नवापुर चेक पोस्ट को पटा, जबकि वो गाड़ी को परवानगी नहीं है तो उसका टैक्स लिया जा रहा है कैसा? वो उसके बाद में दो दिन के बाद में मुझे फेब्रुआरी के अंदर ही डिवीज़न के बॉस आरटीओ अपने भरत करसकर साहब ने एक उस वही आदेश पे वही इसी आदेश काढ़े उनके रीजन के लिए, जलगांव नंदुरबार धुलिया के लिए। अगर उसके अमल बजो नहीं, अगर वो सही तरीके से करते थे तो 5 लोग मरते नहीं थे। इसीलिए मेरा कहना है क्या इसकी उसकी जिम्मेदारी लेके उसके अंदर मुझे उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, क्योंकि लोगों की जान गई है तो सदस्य मनुष्य होता था गुना सकते हैं, जब दाखिल करना था हुआ, ये माजी मांगनी है। कुल मिला के आप यहाँ जो भी कुछ चल रहा है उसके खिलाफ आप आरटीओ कार्यालय में जो गलत काम चलते हैं। नागेश पाटिल का एक मामला था जनवरी फरवरी में, उसके बारे में आपने कभी आवाज उठाई क्या? नहीं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, मतलब समझा नहीं मैं। यहाँ आपका स्पेशल अंग्रेजी या बच्चाव या किसी पर्सनल से या आरटीओ का? और मेरा मसला ऐसा है कि मुझे ये पद मिला शिव वातुक सेना का, उसके बाद में थोड़ा सा मैं ऑफिस के अंदर मुझे मैं जाने लगा तो हमारे यहाँ पे एक सिपाही है, महिला सिपाही, तकरीबन मैं 12-13 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, महिला सिपाही है जयकर मैडम करके, उनको मुझे मैं ऑफिस में 2 नंबर मोरे साहब की कैबिन में जाते हो धक्का लगा ऐसा, हाँ ऐसे नकली केस मेरे पे बनाने की कोशिश हुई। किसने? इसका जिम्मेदार पूरा सीए सिंगड़े है। और वो कंप्लेंट जब लिखे गई लोही साहब के कैबिन में, लोही साहब ने चौकसी के आदेश दिए एआरटीओ को कि इसमें चौकसी करके अहवाल दो, हाँ तो उसी दिन का अगर वो सीए सिंगड़े कहते हैं कि मैंने नहीं करा, भाई को उसका नाम नहीं लिखते आता, इतनी बड़ी कंप्लेंट लिख नहीं सकती, हाँ। और सीएस सिंगड़े का कहना कि मैंने किया नहीं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप यहाँ पे प्रतिनिधि भी हैं आरटीओ वाहन के, मेरा ये सवाल था सिर्फ कि आप आरटीओ कार्यालय में हो रहे समूचे भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं या सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए? उसकी वजह इसी नहीं ना, जैसे आप पूछना चाहते हैं मुझे, वो वजह नहीं है ना, जैसे आप तुम पूछ रहे कि नागेश पाटिल का वगैरह का, ओ, जो भी तो मामला जनवरी फरवरी में वो भी था तो आपने आप अगर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके बाद में भी एक मामला हुआ, लोही साहब ने बच्चों को मारना चालू किया, हुआ था आपने उसमें भी, मुझे सभी प्रेस वालों से मुझे कहना है, एक मेरी विनंती है सबसे, ओ, क्या भाई प्रेस वाले भी मुझे वो प्रेस में भी मुझे साथ नहीं दिए, मैं नहीं दिए आज भी मेरे जो भी मैं तकरीबन 22/9/2020 से लड़ रहा हूँ अभी फिलहाल, जब से दूसरी पारी चालू किया जब से मेरा एक भी पेपर वाला ने मेरी तो न्यूज़ को कहना है कि प्रेस वाले पार्सलिटी कर, वो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन आपके चैनल पे भी जबकि आपके रिपोर्टर उनके माध्यम से मैंने पहुँचाया। तो मैं ये अभी आप जो बता रहे हैं इसमें ये माना जाएगा कि आपका कहना है कि प्रेस वाले पास नहीं भाई मेरी मदद नहीं कर रहे, सिर्फ किस तरीके की मदद? मैं जो न्यूज़ दे रहा हूँ उसकी न्यूज़ बनाओ तो न्यूज नहीं बनती है, नहीं बन रही, इसका मतलब है कि पार्सलिटी कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं बोल सकता हूँ मैं, या नहीं, तो बनती है, नहीं बनती बस न्यूज नहीं बनती इसकी वजह आप जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकता हूँ ना, नहीं, जब इंडिया अब तक न्यूज़ तो मेरा काम है आप तक, मैंने जी 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 लगाई थी उसके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की खबर लगा दी, जबकि ऑफिस चालू होने को तकरीबन 2 महीने हो गए थे, 2 महीने में कभी खबर लगी नहीं, लेकिन जिस दिन घटना घड़ी उस दिन आज हम यहाँ पे जब आए हैं यहाँ आसपास कुछ भी दिखेगा तो हमारे लिए खबर है, हम खबरों को ढूंढते हुए किसी जगह पे आए, मैंने जकी के माध्यम से आपको भेजा, आपने लगाई नहीं खबर, एक भी खबर लगाई नहीं। कौन सी खबर है? देता हूँ मैं आपको लेटर। नहीं आप बताइए। मैंने पहले संरक्षण के लिए अर्ज किया क्योंकि इनके हाथ बड़े बहुत लंबे रहते, ये आपको भी मालूम है,
और ये पैसे दीपक कुमार गुप्ता जी को जिस तरह जिस तरह से फंसाया गया उस वैसा मुझे भी कोशिश देखे। मैंने तो आपको बता दिया कि जयकर भाई के मैटर में जो फंसाना चाहते थे, पर वो ये आप जैसे दो मेरे दोस्त और ऊपर वाले की दुआ थी इसके लिए मैं जेल में नहीं गया, नहीं तो मैं भी खुद मुझे गेट के अंदर मुझे भी एंट्री नहीं रहती थी। ये तो आपकी ठीक है, लेकिन आपका जो ये कहना प्रेस वालों के लिए है उस पर मेरा आक्षेप है कि क्या आप लोग है ना, ओ ये भारत का चौथा स्तंभ है मानते, तो ये जनता के लिए मुझे तुम लेकिन प्रेस को किसी तरीके का निर्णय देने का अधिकार नहीं ना, आपकी बात रख सकते हो और आपसे सवाल पूछ सकते, जनता तक पहुँचाना ये तो आपका, तो आपने मुझे थोड़ा सा पर्सनली मेरा ये कहना है क्या भाई, जैसा आप थोड़ा सा अगर मुझे साथ देते थे तो अभी तक कुछ ना कुछ तो हाल हो जाता। हम किसी का साथ नहीं दे सकते, नहीं हम सिर्फ तो न्यूज तो बना हम सिर्फ न्यूज बना, मेरी हर खबर आप तक आई नहीं, मेरे पास जो देखो आती है मैं वो खबर लगाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है चलो, अभी फिलहाल जो हमारी बातें चल रही थी ये बात चल रही थी कि आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पीछे हैं या पूरे भ्रष्टाचार के पीछे? मैं अभी फिलहाल तो एक व्यक्ति के पीछे हूँ, हाँ, और दूसरा व्यक्ति जो है वहाँ का डिपार्टमेंट के जितने भी जो भी इसमें शामिल है एक्सीडेंट में सब पे सदस्य मनुष्य वधता गुना दाखिल हुआ हुआ, ये मेरी डिमांड है। अभी भी अगर आपकी किसी भी डिमांड पे कोई हरकत नहीं होती, हाँ, अगला क्या स्टेप होगा? अगला स्टेप मैं आमरण करूंगा या तो फिर मैंने तो विसरवाड़ी पुलिस स्टेशन को और नंदोड़ा एसपी को ऑलरेडी फरियाद भेज दी है मेरे नाम से। अच्छा। फरियाद भेज दी है एक्सीडेंट के बारे में क्या इसको सदस्य मनुष्य बना के गुना दाखिल करा हुआ, इसमें जो भी दोषी है उप प्रादेशिक परिवहन नाना साहेब बच्चा ये इनके ऊपर गुना दाखिल करके करना मांगता हूँ। हमारे साथ थे सुल्तान बेग मिर्जा जी जो ये बता रहे थे कि आरटीओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ ये यहाँ पर या जो कुछ भी गलत काम होता है इसके लिए ये यहाँ पे बैठे हैं। जब इनसे ये बात मैंने पूछना चाहा कि क्या ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के खिलाफ हैं या पूरे आरटीओ कार्यालय के खिलाफ, तो इन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि ये व्यक्तिगत उस पार्टी उस व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं। किसी भी गलत काम का साथ देना खुद गलत करना होता है। हम इंडिया अब तक न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक यही खबर पहुँचाना चाहेंगे कि यहाँ इस जगह पर हड़ताल करके बैठे हैं। अगर ये सही है तो सरकार इसके ऊपर जरूर एक्शन ले, अवश्य एक्शन ले, और जो भी नियम कानून के मुताबिक होता है वो अधिकारियों को करना ही चाहिए। इसके बाद हमने बात की है आरटीओ दफ्तर के सीएस इंगले से, देखिए वो क्या कहते हैं और अपनी बातों को किस तरह से वो साबित करने पर तुले हैं। इंगले जी, बाहर कुछ लोग आपके खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं, उनके आरोप है कि आप गलत काम करते हैं यहाँ पर और सरकार और आपके अधिकारी आपका साथ देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उनका जो कहना है वो एकदम गलत है, उनके कुछ गलत काम होते नहीं है करके वो पोजीशन पे बैठा, ऐसा मेरा कहना है। कुछ दिन पहले सुल्तान मिर्जा एक वाहन प्रतिनिधि है और वो मेरी तरफ आए थे एक केस के बारे में, जो BS4 का जो वाहन है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 मार्च तक ही उसकी नोंदनी की प्रक्रिया पूरी की जाए ऐसे एक था, मगर उन्होंने कुछ उनका काम था उन्होंने लिया हुआ कोई पार्टी से, वो पेपर उन्होंने मेरे तरफ 26 अक्टूबर के दिन लाया और मुझे उन्होंने कहा कि भाई इसका मैंने टैक्स भरा हुआ है तो मुझे इसका नंबर आप दे दो, इसका नंबर गिरता है बहुत, आपके ऑफिस में बहुत से काम होते हैं। मैं बोला भाई इसका नंबर गिरेगा नहीं, इसके बारे में आप मेरे जो वरिष्ठ है लोही साहब इन साहब मिले, तो वो साहब की तरफ गया, साहब ने मुझे पुटअप करने के लिए बताया सब चीज़ के लिए, तो इनका जो खुद का ऐसा एक मेरे बारे में एक मत हो गया कि मैं उनका काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे उनके बारे में उनको लग रहा है। और उन्होंने ऐसा भी मेरे ऊपर आरोप डाला था कि नहीं आपने इसके पहले BS4 के गाड़ियों के काम किए वगैरह वगैरह, आपको क्या पैसे चाहिए क्या इसमें? मैं बोला देखो पैसे का विषय नहीं, मैं शासकीय रेवेन्यू जमा करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और पैसे का वगैरह विषय नहीं बोले, आपके आरटीओ पे इसमें क्या नहीं होता है बगैर दंड भरे हुए बोले गाड़ियाँ जब छुट्टी है तो ये काम न होने के लिए क्या कौन सी बड़ी बात है बोले। मैं बोला देखो जिन्होंने छोड़ा होगा जिन्होंने किया होगा वो उनका काम देखेंगे, ये मेरा काम नहीं है। तो ये जो उनको जो मेरे बारे में जो कुछ कंफ्यूजन होगा या कोई गलत फहमी है इसके कारण उनका जो उपोषण में मेरे ऊपर आरोप करना
कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। उनका कहना है कि आप काफी सालों से एक ही जगह पर बैठे हैं। नहीं नहीं, ये बात गलत है। काफी सालों से वगैरह नहीं, मैं बीच में दो तीन महीने के लिए यहाँ पे आता था। मेरा पोस्टिंग धुलिया में है, उसके बाद में मैं अभी 2018 अक्टूबर में यहाँ पे आया। वो कुछ भी कहेंगे उसमें कुछ उनके कहने को कोई वैल्यू नहीं इन द सेंस। आरोप तो कोई भी किसके ऊपर कोई भी लगा सकता है। तो मैं मुझे 2 साल ही यहाँ पे हो गए आने के लिए। अभी प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।